हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। और इसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। और इस तरह के वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसे आप अपने टिकटॉक ऐप से यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस तरह के वीडियो यहाँ पे बनाने का क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। यानी कि जैसे अगर आप यहाँ पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे आप शुरुआत में ये बताते हैं कि 2 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले मेरे इतने फैंस थे, और उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे ये बताते हैं कि मेरे अभी इतने फैंस हो गए। तो अगर आप जैसे वो कोई देखता है तो वो आपकी प्रोफाइल पर जाकर विजिट करता है। तो इस तरह वीडियो बनाने का बस यही फायदा है कि अगर आप इस तरह के यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो वो लोग आपके प्रोफाइल पर जाकर विजिट करेंगे और चेक करेंगे क्या सच में आपके इतने फॉलोअर्स है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस वीडियो से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा, तो इसी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सबसे पहले आप उस वीडियो के अंदर जाइएगा क्योंकि हमें यही वाला साउंड इस अपने वीडियो में यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे इस वीडियो में आए हैं। अब आपके यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है क्योंकि हमें यही साउंड अपने वीडियो में यूज करना है। और उसके बाद आपको यहाँ यूज़ दिस साउंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपने कैमरे के अंदर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए वीडियो को बनाना है किस तरीके से। वीडियो को शूट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि टाइमर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक कर देना। सबसे पहले मैं अपने स्मार्टफोन को किसी भी स्टेबल जगह पे चलिए मैं रख देता हूँ। तो वीडियो को शूट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि टाइमर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या है कि स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करने के बाद एक काउंटर हमारा खत्म होगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग कर देना है। वीडियो को बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हाथ को कुछ इस तरह से खोल के रखना है शुरू में, और आपका रिएक्शन जो होना चाहिए वो सैड वाला रिएक्शन होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे शुरू में क्या करना है कि अपने हाथ को कुछ इसी तरीके से खोले रखना है, बीच में आपके सामने ये पॉपअप का आवाज़ आएगा यहाँ पे, तो इसी पर आपको हाथ को इस तरह से बंद कर लेना है। जब आपको साउंड में आवाज़ आता है तो आपको फिर से यहाँ पे खोल देना है इस तरीके से साउंड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो को बना लेना है। जब आप कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे लिखना होगा। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे करेक्टर वाले पे क्लिक करना है, और जब आप हाथ को कुछ इस तरह से पकड़े हुए रहते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पे शुरू में ये लिखना होता है, यानी आपके जितने भी फैंस हैं, यानी 0 फैंस आपको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर बहुत ही कम फैंस लिखने हैं आपको शुरू में। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 दिन पहले, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको लिखना है 0 फैंस या फिर 2 फैंस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब आप कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है जो ए वाला दिख रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा ये बैकग्राउंड आ जाता है इसका। और उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो भी फॉन्ट स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं, यानी आप जो भी कलर देना चाहें वो आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है, और इस तरह पर क्लिक करने के बाद आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर आ जाना है। अब आपको यहाँ पे इसका ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट ड्यूरेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट को यहाँ पे लिखा है उसको आप यहाँ पे टाइम को यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आप कहाँ तक इसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एंड में यहाँ पे करना चाहूँगा, जब हाथ को मैं कुछ इस तरह से बंद कर लेता हूँ, तो उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे मैं करूँगा जैसे 5.3 सेकंड तक। तो यहीं तक आपको ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। अब कई लोग इस वीडियो में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर अदर कैंसिल इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, तो वो भी अगर आप लिखना चाहें अपने वीडियो में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करेक्टर वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आप शुरू में जब दिखाते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखकर वो हो गया। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से खुश होकर दिखाते हैं, यानी यहाँ पे आपको जितने भी फैंस अभी टोटल हो गए वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे करेक्टर वाले पे क्लिक करना है। अब आप चाहे तो यहाँ पे अपना खुद का यहाँ पर रियल वाला फैंस दिखा सकते हैं कि अभी टोटल कितने हो गए, या फिर आप यहाँ पे चाहे तो फेक भी आप दिखा सकते हैं, तो वो तो आप पे डिपेंड है आप क्या करेंगे। तो चलिए मैं अभी अपने रियल में दिखा देता हूँ, जैसे नाव लिख कर यहाँ पे मैं नीचे करूँगा। अभी मेरे 85K के आसपास यहाँ पे फैंस हो चुके हैं, तो मैं लिख देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ समझा देता हूँ कि अगर आपको इसके अंदर आपको कोई भी स्टिकर अगर आपको ऐड करना है, यानी कि अगर कोई इमोजी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप इमोजी भी दे सकते हैं, यानी हैप्पी वाला इमोजी दे दीजिए। इस तरह से देने के बाद अब आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल देना चाहिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर भी दे सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। इसको भी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे हम इसका ड्यूरेशन अभी सिलेक्ट करेंगे इसका, तो आपको इसी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सेट ड्यूरेशन पर क्लिक करके यहाँ से आपको लेफ्ट से यहाँ पर आपको हटाना है, यानी आपको वहाँ पर ले जाना है इसे जब आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से लास्ट में खोल देते हैं। जैसे कुछ इस तरह से हमने आगे से यानी 9 सेकंड के बाद
हमने कुछ इस तरह से किया है, तो उस वहीं से हमें इसे स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने वीडियो को यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं। तो बस है आज इस वीडियो, बस ये बताना था आपको। यहाँ पे मैं एक और भी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के साथ यहाँ पे देखेंगे, हर कोई यहाँ पे यूज़ कर रहा है शेयर अदर कैंसल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस वाले को यहाँ पे यूज करने से अगर आप बस वीडियो में अगर आप दिखाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे इसे अप्लाई नहीं करना है। यानी आप इसे यहाँ पे यूज़ मत करिएगा अपने वीडियो के साथ, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इससे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसे बस दिखाने के लिए कर रहे हैं तो इसे आप दिखा सकते हैं वीडियो के अंदर। इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लोग क्यों यूज़ करते हैं ऐसे वाला। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर ये दिखाते हैं तो होगा क्या कि लोग यहाँ पे अगर देखेंगे और आपके वीडियो पे शेयर कर देंगे और यहाँ पे अदर पे क्लिक करके कैंसिल कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो एक शेयर माना जाता है। यानी टिकटॉक क्या करेगा, ये सोचेगा कि एक शेयर किया गया वीडियो को, यानी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए क्या करता है टिकटॉक और लोगों को भेजता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वीडियो पे लाइक आते हैं और ऐसे यहाँ पे बंदे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसे अगर आप बस दिखाने के लिए कर रहे हो तो दिखाइए, लेकिन आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। तो बस यार आज के वीडियो में यही जानकारी देने था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बस नहीं।